गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मित्रों, सानवी एंड प्रभजोत एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, सर कल डुअल नेचर ऑफ मैटर के डाउट्स डिस्कस कर लोगे? हाँ कर लूंगा, ये अभी मैं वो खत्म करने लगा हूँ। ठीक है, वो मैं परसों है ना टेस्ट, हाँ कल की क्लास में कर लूंगा। ठीक है, आज टाइम भी थोड़ा मेरे पास, तो इसको क्या नाम है, इसको फिनिश करें। राइट, आज हम करेंगे पीएन जंक्शन का। उससे पहले छोटा सा, हाँ दो छोटे छोटे टॉपिक पीएन जंक्शन से पहले। बाकी हम इसमें करते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें यहां पे V इज इक्वल टू आई आर R is a resistance. So V is equal to, and that is equal to
2L अपॉन A एंड V को पुट कर दो E इनटू L, क्या रहने देते हैं इतने में। मैं लिखूंगा अपने आप समझ आ जाएगा आपको, इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ। Now, मैं पैड पे हो रहा हूँ। अच्छा बातें पड़ी हैं जी बैंड पे के रिस्ट्रिक्शन, चलो फिर से क्या पता है कितने रुपए बचे। एंड वी ई हिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी एच drift velocity of holes number one और तो वो माइनस ई के नीचे प्लस ही लिखा है डायग्राम में, ठीक है। अच्छा हाँ ये मैंने माइनस ई शो कर दिया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और प्लस वाले को होल, होल को प्लस दे दिया ना, दोनों चल रहे हैं, इसलिए इसको VH लिखा हुआ है। सर थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दो या फिर फोन आगे कर लो। मैं समझ गया, ज्यादा पीछे दिए बेटर है या और करो? यस सर बस ठीक है। तो I is equal to क्या आ गया मेरे पास, E into A common आ गया, minus V H आ गया। तो फॉर्मूला टू में आई की वैल्यू को एलिमिनेट कर दो, आई को यहां पुट कर दो आगे। फ्रॉम वन एंड टू ई बाय रो इज इक्वल टू ई ए एन ई वी ई एन एच वी एच on A, right? One upon rho E manipulation here, just when the kiao can take it, you know. तो अब वन अपॉन रो क्या चीज है, सिग्मा कंडक्टिविटी,
V E upon E is mu E is the इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू रख दिया मैंने, ये कई बच्चों को याद आएगा कहीं वो नहीं आएगा, तो ये हमने उस चैप्टर में क्या हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में डेफिनेशन ऑफ मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तीनों चीजों की वैल्यू यहां रख देंगे हम, तो सिग्मा इज इक्वल टू ई एन ई म्यू ई एन एच। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आप लिखो, मैं आपसे हेडिंग लिख रहा हूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सिग्मा ऑफ सेमीकंडक्टर्स। किसी को ध्यान है कि मेटल्स के केस में क्या होता था, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती थी और कंडक्टिविटी डिक्रीज। क्यों मैं बताता हूं, याद कराता हूं। तो ये शुरू करने से पहले मैं रीकैप अबाउट रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल्स के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं होती है ना, एन इज लार्ज एंड रेजिस्टिविटी वाज एन स्क्वायर बाय टाउ। अब टाउ को हम चाहें तो उसके अंदर भी ला सकते हैं, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। तो बस अभी इतना ही। व्हाट हैपेंस कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो कोई असर नहीं पड़ता, वो आगे बहुत लार्ज होते हैं, एन इज लार्ज। लेकिन दैट इज वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं, वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड इंक्रीज, ठीक है, उसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। अब ये भी कह सकते हो बिकॉज वी डी क्या होता था, ई ई अपॉन एम इन टू टाउ, ये डिक्रीज हो रहा है मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो ओवरऑल उसकी वजह से रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है इंक्रीज। इसे मैं बीच में से हटा रहा हूँ, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है उसकी वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड बढ़ने से। ओके, अब ना यहां जो कंडक्टिविटी है वो n पे भी डिपेंड कर रही है और ये मोबिलिटी बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही है। तो दो कंपीटिंग फीचर्स चलते हैं यहाँ पे। ये मानो मैंने आपको कोई बहुत जोर भी लगाया, समझा दिया, याद करा दिया, ये मानते हैं आपको याद आ गया होगा, देखते हैं तब मैंने काफी जान लगाई है। अब इन सेमीकंडक्टर्स with increase in temperature N E and N H increases considerably. Along with so other new E and mu h decreases. Where am I? देखिए क्योंकि mu के अंदर कौन है, drift velocity, vibration बढ़ने से drift velocity decrease होगी। पर कहता हूं कि number of ये बढ़ने का effect कितना ज्यादा है कि जो थोड़ा बहुत drift velocity पर फर्क पड़ता भी होगा, no effect उसका। So that is but effect of increase in NE and NH is much more
then effect of decrease in mu E and mu H. Hence, sigma increases. With increase in temperature. Sigma किसका है? मतलब semi conductor का ध्यान दो. किसी और का नहीं. Sigma increases और resistivity decreases. क्या किया हो गया जी? अब एक छोटा सा topic और. पहले बनेगा जी एक्सप्लेनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड फिल. उस दिन मैंने थोड़ा करवाया था आपको ना. तो एक सेकंड था तो इसमें से रवि कर रहा हूं अपने आप में की टॉपिक है ये बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के बेसिस पे सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं. तो तब मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं बताऊंगा आपके कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स क्या मीनिंग है इनका. वैसे हो चुकी है मैं सिर्फ आपको बताना है कि मैं यहां स्पेसिफिकली for semiconductors this is valence band this is conduction band aur semiconductors ki baat kare to at t is equal to 0 kelvin jo ki theek ho gaya hai lekin main theoretically manna hoga ki completely filled hai ye represent hai bachcho practical रिप्रेजेंटेटिव तो कुछ तो बनाना होता है सामने यहाँ पे ना कोई पिक्चर वरना तो
डीप पिक्चर ये है कि वहां एक बहुत ही नजदीक बहुत सारे लोग हैं और ये कंप्लीटली फिल्ड है जीरो कैलोरी कंप्लीटली फिल्ड और कंडक्शन बैंड में भी बहुत सारे लेवल हैं अवेलेबल लेकिन ये पूरी तरह से एम्प्टी है एंड हियर देयर इज एनर्जी गैप राइट सो व्हिच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हाटएवर तो अब होता है बच्चों की दैट इज ये जो वैलेंस बैंड जिसे बोल रहे हैं ना सभी दिन पता क्या ये रिप्रेजेंटेशन है वो इलेक्ट्रॉन्स ड्रेन बॉन्ड्स है जो बॉन्ड के अंदर बैठे हुए हैं नाम भी देखो वैलेंस बैंड लिखा हुआ है ये बॉन्ड्स के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पे अब होगा क्या यहां से नॉर्मल टेम्परेचर में जो हमारी यस अगर मैं बात कर दूं यहाँ पे इंट्रिंसिक प्योर की बात करें तो अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन जीरो कर देना है जीरो कर देना है हमने होल्ड ऑन तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि है तो बड़ी हाई लेकिन थोड़ी सा हल्का सा हिंट आपको कि जब हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं ना यहाँ पे राइट उसको एनर्जी देनी होती है सॉर्ट ऑफ एनर्जी एनर्जी इज क्यू इनटू वी ई इनटू वी तो एनर्जी जब भी किसी अब ये जो सिस्टम है जिसमें एनर्जी लेवल्स गैप्स वगैरह वगैरह तो कोई भी सिस्टम एनर्जी अब्सॉर्ब तभी करेगा अगर वो अब्सॉर्ब करके ऊपर जाने को कुछ हो उसके पास कोई बात हमें नहीं डॉट वरी मैं हाइड्रोजन की एग्जांपल ले रहा हूँ बोहर बोहर एटम लोएस्ट लेवल की एनर्जी -13.6 है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इनमें जो एनर्जी गैप है ना वो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है जी यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है मैं इसे पंगे लेता हूँ उसको एनर्जी देता हूँ मैं इसको कहता हूँ मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेनी ठीक है मैं नहीं ले सकता लेगा कम बैक रीजन कि इसको यहाँ पे कोई लोकेशन ही नहीं है कि उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करके वहां रुक जाएगा वापस कर देगा वो मतलब ये लूज तरीका समझाने का तो इन अदर वे कि इट इज नॉट एबल टू अब्सॉर्ब अब्सॉर्ब करेगा तो कहीं जाएगा ऊपर जाएगा इसको बोलो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले ले क्या मजाक कर मेरे से मुझे तो जेनियन कम से कम 10.2 दे ताकि एनर्जी अब्सॉर्ब करके यहीं ऊपर तो जा सकूं मैं नेक्स्ट लेवल पे करेक्ट अच्छा दूसरा फेज अगर तो एनर्जी अब्सॉर्ब करने की हालत में होना चाहिए किसी भी वे में मिले मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और इलेक्ट्रॉन्स हैं जो भी हैं ये वाले तो इनको मैंने एनर्जी दी राइट तो एनर्जी मतलब एनर्जी रिस्पॉन्ड मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ना उसकी वजह से उसको रिस्पॉन्ड करेंगे तभी चलेंगे वो तो रिस्पॉन्ड करने के लिए इनके पास नेक्स्ट लेवल ही नहीं है कोई यहां पे जाने के लिए व्हाट हैपेंस लेकिन क्योंकि इनके पास नेक्स्ट लेवल नहीं है जाने को लेकिन यहां वाले जो इलेक्ट्रॉन है अच्छा सॉरी अभी तो यहां है नहीं अभी तो है नहीं रुको रुको तो अब हम करते हैं कहां पे सुनते जाना अभी ये है टी ग्रेटर देन जीरो कर लेंगे वैलेंस बैंड की डेफिनेशन क्या है कि जो कंप्लीटली फिल्ड होता है तो यहां टेम्परेचर जीरो टेम्परेचर से ऊपर हो गया तो कुछ इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है बैठा हुआ है और यहां के क्या क्रिएट कर गया होगा वो फोर डॉन्ट फॉरगेट की वैलेंस बैंड का मतलब कि वहां बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं और टेम्परेचर जीरो कैल्सियम थर्मल एजिटेशन बाय प्रोबेबिलिटी कई जंप मारे होंगे यहां से नहीं जा पा रहे होंगे नहीं भाई लग भाई चांस कहीं के पास ज्यादा एनर्जी आ गई एवरेज एनर्जी तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए ये फ्री इलेक्ट्रॉन है अब हम पता करते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जहां बैठे हुए हैं
इनके पास रिस्पॉन्ड करने को बहुत सारे लग होते हैं। तो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ, ये बुक्स में नहीं लिखा होगा मोस्टली, मतलब हमें और लेकिन समझाना जरूरी है आपको, पेपर में भी लिखना पड़ना आपको, कहीं लिखना। तो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करने के लिए द इलेक्ट्रॉन मस्ट गो टू सम अदर लेवल, नेक्स्ट लेवल पे जाने को जगह होनी चाहिए। तो ये वाले इनके पास कोई जगह नहीं है, लेकिन जो कंडक्शन बैंड के अंदर बैठे हुए हैं, इट विल बी रेज, एंड रेज का मतलब इट विल रिस्पॉन्ड। तो फिर अब आपने लिखना है कि दैट इज इन सेमीकंडक्टर्स, हम लिख चुके हैं पहले कि यहाँ पे कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स, कंडक्शन इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। दोबारा लिखो, कंडक्शन इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। और होल कहाँ बैठे हैं बताओ, एंड होल्स इन वैलेंस बैंड। हमारा जो अभी का टॉपिक है दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। एन टाइप में सिलिकॉन था, सिलिकॉन था बीच में, किसने टांग लटकाई थी अपनी, फॉस्फोरस ने। यहां से ध्यान से देखना बात, एक्सक्यूज मेरे, यह सुनो कर देना, होल किसके अंदर होता है, वैलेंस बैंड के अंदर। फ्री इलेक्ट्रॉन कहां होता है, कंडक्शन बैंड के अंदर। तो ये मान लो एक मैं होल भी बनाऊंगा और एक भाई फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर होगा तो एनर्जी वाइज कहां बैठा होगा, एनर्जी वाइज कंडक्शन बैंड में बैठा होगा, राइट। तो एनर्जी वाइज ये कंडक्शन बैंड बैठा हुआ है, और ये होल बेचारा किसमें बैठा हुआ है, इन वैलेंस बैंड, ठीक है। इसका क्या, इसके बारे में क्या विचार है आपका, जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ डोनर फॉस्फोरस डोनेट कर देता है बैंड थ्योरी, सॉरी वैलेंस बॉन्ड मॉडल में बोला ना कि इसके टूटने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन अब दूसरे तरीके से बोल रहे हैं, ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ना तो बॉन्ड का पार्ट है, इवन ये वाले इलेक्ट्रॉन जो इन बॉन्ड बैठे हैं, इन बॉन्ड भी बैठे हैं, वो भी कहां बैठे हुए हैं, इन वैलेंस बैंड। जो इन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो भी वैलेंस बैंड में बैठे हुए हैं, स्टेबल है नीचे। ये पांचवा इलेक्ट्रॉन ना तो फ्री है इससे, इससे जुड़ा हुआ है अभी एक मिनट के लिए, तो ना तो ये कंडक्शन बैंड का पार्ट है। द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन नाइदर इन कंडक्शन बैंड एंड वॉट नॉ इन वैलेंस बैंड, क्योंकि ये बॉन्ड के अंदर भी नहीं है, फालतू बेचारा कर रहा है। तो फिर ऐसे फॉस्फोरस कितने एटम डालते हैं, बहुत सारे डालते हैं ना, पता है आपको, लेकिन वन पार्ट पर मिलियन भी हो तो भी 10^17 10^16 बन जाएंगे, तो ढेर होते हैं जी। तो हुआ क्या, एक तो ये लागत हो गए वैलेंस बैंड अलग से बना हुआ है, कंडक्शन बैंड अलग से बना हुआ है, तो ये पांचवा ना तो इधर है ना इधर है, अपना अलग से ही एक नया, ये भी तो कहीं बैठा तो हुआ ना, कि टिका तो हुआ ना कुछ जगह पे, तो ये अपना ही लेवल बना लेते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डोनर लेवल, ओके ठीक है।
अब मैं आपको बता कि केटी लेवल की एनर्जी हमेशा मेरे लेवल और जबरदस्ती है, इससे इनको तंग कर रहा है, एजिटेट कर रहे हैं, थर्मल एजिटेशन बोलते हैं, इनको तंग कर रही है हर वक्त करती है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी एनर्जी मिल रही है ना, तो जाते हैं नीचे, कभी कभी अचानक ज्यादा जोश आया था किसी को, ऊपर चला गया, यहाँ होल आ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो केटी इनको उछाल रहा है, लेकिन सारे नहीं जा पाए, वापस आ जाते हैं, कोई सफिशियंट एनर्जी नहीं मिलती, कभी कभी मिल जाती है तो चले जाते हैं, लेकिन जो डोनर पे बैठे हैं उनको भी तो उछालेगा। ओ डोनर को उछालेगा तो उनको आगे रहने को जगह है, इनके पास दे हैव नो प्लेस टू लिव, इनके पास बिल्कुल बैंड बिल्कुल सिर पे ही बना हुआ है, तो ये नो डाउट इंजीनियर साइंटिस्ट अपने ध्यान से देखते हैं, फास्फोरस को चुना इसी लेवल पे होगा, फिर डोनर लेवल बिल्कुल नजदीक बन जाए, ये उनका अपना वो सारा हुआ है, तो नजदीक बना हुआ है, तो केटी क्योंकि हर वक्त अवेलेबल है, देनी दे रही है, तो फिर ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए और यहाँ क्या पैदा कर दिए, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फिर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन गए हैं कंडक्शन बैंड में, इन्होंने होल को ही क्रिएट नहीं किया, क्यों होल क्यों नहीं क्रिएट किया, होल रियल तभी बनता है, होल तो बनता है वैलेंस बैंड में, कोई अगर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके जाए तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल, फिर बाकी आपने असल से पढ़नी है, मैं एक लाइन पा रहा हूं आपको इसका क्रक्स खत्म करते हुए, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ डोनर एटम, almost all electron of donor level jump to conduction band. देखो, at room temperature, almost all electron at donor level jump to conduction band, creating lot of free electrons in conduction band. Creating lot of free electrons in conduction band without creating any holes in valence band, without creating any hole in conduction in valence band, therefore Ne becomes greater than NH, rather if Nd is the donor density, जितने हम क्या मानेंगे, तो ये चीज देखा हूं फिर, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज नियरली इक्वल टू डोनर डेंसिटी, डोनर मतलब फास्फोरस इस केस में, नियरली इक्वल टू, ज्यादा इसी की वजह से है, डोनर की वजह से, तो फ्यूचर में छोटा सा न्यूमेरिकल बनेगा, वो भी 5 मिनट में आने वाला है। फ्री टाइम में बच्चों आपको बताइए, सिलिकॉन बीच पे हमने किसको कर दिया था, एल्युमिनियम को डाल दिया था, ये इसके पास तीसरा चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो आपको मैंने जो भी बोला एक्सेप्टिंग साइड या एक्सेप्टर साइड, जो ये भी इलेक्ट्रॉन लेने को रेडी रहती हूँ, लेकिन एग्जैक्टली ये होल नहीं है, बॉन्ड
से ब्रेक नहीं हुआ तो ये भी होल होल नहीं है, है ना, सिमेट्री की वजह से हुआ। एल्यूमिनियम को वरना चौथा इलेक्ट्रॉन चाहिए बड़ा, लेकिन सिमेट्री उसको स्टेबिलिटी दे रही है कि अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो गुड है। तो हुआ क्या, पी टाइप में जो ट्राइवेलेंट है इसको हम एक्सेप्टर बोल देते हैं, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड। अब बच्चों आप खुद बताओ, देखो अगर जो यहां बना हुआ ना, यहाँ ये होल है क्यों सर, इसमें इसमें क्या भैया, ये होल इसलिए है कि ये सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड बना हुआ प्रॉपर, इलेक्ट्रॉन टूट के गया होगा फिर इलेक्ट्रॉन से होल बना हुआ है, तो होल तो रहते हैं यहाँ पे, उसकी वजह से यहाँ पे एक देखा फिर इलेक्ट्रॉन होगा, ये होल है डीप है तो वैलेंस बैंड में। अब एक्सेप्टिंग साइड ये बॉन्ड से ब्रेक तो नहीं हुई, तो ये इससे थोड़ा हायर एनर्जी लेवल पे, उतना स्टेबल नहीं, होल जितना डाउन नहीं, एक्सेप्टर लेवल। अब क्या हो रहा था, पंगा किसका है, केटी का, टी ग्रेटर देन जीरो केल्विन है, एनर्जी मिलनी मिलनी है, आगे जो ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही थी ऊपर रहने को जगह नहीं थी उनके पास, अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं वो जंप कौन करवा रहा है, टेम्परेचर जंप कर रहे हैं वो यहाँ रुके जाके एक्सेप्टर को फिल कर दिया और यहाँ क्या क्रिएट कर दिया होल, यहाँ से यहाँ ही गए होगा थोड़ा बहुत, तो बड़े से इंग्लिश पैंड हिंदी पर हिंदी में बोले कि अब केटी जो लिमिटेड लेवल ऑफ एनर्जी है वो केटी या इसके बाद तब यहां से यहां पहुंचा दिए थे, अब इसने ये पहुंचा पहले गई थी ऊपर ऊपर, अब पहले रहने की जगह मिली थी, लेकिन जो कौन है एक्सेप्टर आए इन्होंने एक नया लेवल क्रिएट कर दिया एक्सेप्टर लेवल, तो इन्होंने इसको ले लिया, इससे हुआ क्या, यहां तो होल क्रिएट हो गए लेकिन यहां उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिले। देखो सेम लाइन रिपीट करनी है हमने उसमें भी, एक्सेप्टर एटम्स मेक शॉर्ट में आपके नोट्स आपको समझ आने आ चुके हैं, एक्सेप्टर एटम्स मेक एन एक्सेप्टर लेवल जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। तो सिर्फ आपके याद करने के लिए समझने के लिए नोट्स हैं, बाकी एक एक लाइन पढ़ो, acceptor atoms make acceptor level just above the valence band at room temperature many electrons jump from valence band to acceptor level, many electrons jump from valence band to acceptor level filling the acceptor level completely, almost completely. Okay, so filling the acceptor level almost completely. Hence creating the holes in valence band. Hence creating the holes in valence band without creating any free electrons in conduction band. Without creating free electrons in conduction band. अब यहाँ लिख लो थोड़ा सा ये ना लगे कि बिल्कुल नहीं है। In addition to it, few electrons jump from valence band to conduction band. Few electrons jump from valence band to conduction band, creating few free electrons in conduction band and few additional holes in valence band. ठीक है जी, this was all about band filling. PN junction topic से पहले एक छोटा सा topic और है, अच्छा इसमें और क्या होगा इसमें बताओ, एक और important point, let N A the acceptor. This is the acceptor density. और ये होल्स बने हैं, होल्स किसकी वजह से बने हैं, एक्सेप्टर की वजह से. NH is the hole density,
डेंसिटी पता ना, नंबर ऑफ नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, देन एनएच इक्वल टू, हालांकि हमें पता है पी टाइप पढ़ रहे हैं, कई बार बच्चों को नोट गलत ना पढ़ रहे, एन टाइप लॉ ऑफ मास एक्शन। पर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल क्लास पे छोटा सा और पढ़ेगा काम। ये ना कोई इंट्रिंसिक सेमी कनेक्टर है जो कि प्योर है, राइट। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स और होल्स देख रहे हैं, होंगे कितने होंगे, इक्वल, हमें ऐसे बना दिया मैंने इक्वल। आपको ध्यान है एनआई वाज कॉल्ड इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, इसको मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज इक्वल टू एनआई। किसमें किसमें थी, इंट्रिंसिक में, याद है। तो ये याद करो आगे, मैं एनई और एनएच को ना कहीं और ऑब्जर्व करना है मैंने। अब पता है कि हमने इसमें हमने डोपिंग कर दी, तो आप पूछो सर कौन सी करी, एन टाइप करी पी टाइप, मैं कहता हूं कोई भी कर दी। तो डोपिंग करने से ये श्योर हो गया कि अब इसके अंदर अभी तो एन आई था इंट्रेंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, अगर पूछे मेरे मैं मेरे से कि नंबर ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी, मैं बोलूं इतनी है, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स कितनी, मैं बोलूं इतनी ही है, इसका नाम ही हमने रखा हुआ है। अब डोपिंग कर दी है तो क्या अब वो सेम रहेगी, ना डिस्टर्ब होगी होगी। अगर अगर एन टाइप से करी होगी तो इलेक्ट्रॉन एनी एनी बढ़ गया होगा, एनएच कम हो गया होगा, और अगर मैंने पी टाइप से करी होगी एनएच बढ़ गया होगा, है ना। तो डोपिंग करके यहां ले आया, ये नया बन गया और ये बन गया एक्सट्रिंसिक। लेकिन डोपिंग करी बढ़िया तरीके से, जो आपने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि डोपिंग ऐसे करो कि एटम का साइज भी सेम हो, लैटिस का स्ट्रक्चर भी खराब ना हो, नीटली फिल हो जाए वहां पे, तो फिजिकल कंडीशन ऑलमोस्ट सेम दिखाई देना। एक्सटेंसिंग में लेट एनी इज द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एन एन एच इज नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, राइट। देन कहता अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसका छोटा सा एक आई विल गिव सम सॉर्ट ऑफ जस्टिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन एन ई इंटू एन एच इज इक्वल टू एन एच स्क्वायर, पहले इसको लिखो आप लोग। फिर एन आई फिर से बताना है, एन आई पहले डिवाइड, आपने डिवाइड नहीं करा इसके सामने है, समझो। नो सर, कोई बात नहीं, एन आई इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन कह देते हैं, इंट्रिंसिक किसको बोलते हैं, प्योर को। तो इसके अंदर मान लो पहले एन ई ओ कह दूं मैं, फिर मतलब ओरिजिनल एन होल्स, इसमें क्या होता है अगर इंट्रिंसिक प्योर है ना, प्योर में ये पता है आपको एन इसलिए बोलना बेटा,
नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स. यस सर. इसको हम एन आई बोल देते हैं, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन. ओके, तो इट इज इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन. मैंने एन ई और एन एच क्यों डाल दिया था, क्योंकि मैंने वहां यूज करना था. यहाँ पे जो डोप्ड है, डोप्ड में मुझे पता है एन ई इज नॉट इक्वल टू एन एच, चेंज हो गया वहां. तो अभी तक आप एन आई की फीलिंग नहीं करो कि आपको इसमें इलेक्ट्रॉन भी दिखाई दे रहे हैं, होल्स भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो इक्वल है. जैसे डोपिंग करी, कुछ डाला इसके अंदर, वो चेंज हो गए. तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है चाहे वो चेंज होंगे किसी को, लेकिन इनका आपस में रिश्तेदारी रहेगी. इसका छोटा सा आपको जस्टिफिकेशन दे रहा हूं. आपको ध्यान होगा बोर्ड पे देखते हो, ये स्टैटिक सिचुएशन नहीं है. ये भाग रहे हैं इधर उधर इधर उधर इधर उधर, इलेक्ट्रॉन भी भाग रहे हैं, होल्स भी भाग रहे हैं, और इस पे लगातार क्या हो रहा है, रिकम्बिनेशन भी हो रही है. रिकम्बिनेशन कौन, इलेक्ट्रॉन होल को मिल गए, जुड़ गए, उधर रिकम्बिनेशन हो रही है, उधर टूट भी रहे होंगे कुछ. तो इसकी पिक्चर को ना लगातार आप देखो यार, यहाँ पे धमाल मचा हुआ, भागा भागा थोड़ी हो रही है, राइट. लेकिन एट ए सडन टेम्परेचर व्हाट इज हैपनिंग, बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग. दो फिनोमेनन लगातार हो रहे हैं, ब्रेकिंग क्रिएटिंग व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हाँ जी, एंड व्हाट, होल्स. दूसरा काम पता कौन सा हो रहा है, रिकम्बिनेशन इज टेकिंग प्लेस. रिकम्बिनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन होल आपस में मिल रहे हैं और दोनों मतलब चलते जा रहे हैं फिनोमेना, और एक टाइम पे इक्विलिब्रियम होगा, जितने टूट रहे हैं उतने बन रहे हैं, बिकॉज टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो ऑन एन एवरेज ऐसा काम होता जा रहा है. तो व्हाट इज द लॉजिक हियर, वो कहता है कि जो रेट ऑफ रिकम्बिनेशन है, रेट ऑफ रिकम्बिनेशन वो किस पे डिपेंड करना चाहिए, कितने कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. तो रेट ऑफ रिकम्बिनेशन should be proportional to ni into ni. अब बोलो सर ये क्या बोला, यानी उनके नंबर पे. बेसिकली मैं यहाँ पे ऐसा करता हूं, क्योंकि e और मैंने वहां संभाल रखी है, एन ई ओ एन एच ओ ओरिजिनल वर्ड बता दिया मैंने. तो जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन की होगी, जितनी होल्स की होगी, उतना उनके टकराने के चांस ज्यादा बढ़ेंगे, डेंसिटी ज्यादा होगी. तो एन ई ओ ओरिजिनल इंटू एन एच ओ, एन ई ओ एन एच को मैंने क्या पुट कर दिया, एन आई, एन ई ओ एन एच ओ मैंने बोल दिया एन आई. तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एन आई स्क्वायर, रेट ऑफ रिकम्बिनेशन. अच्छा, तो दूसरी तरफ किसकी बात हो रही है, रेट ऑफ रिकम्बिनेशन एंड intrinsic, and R should be equal to K into N I square. In extrinsic semiconductor, rate of recombination should be proportional to N E into N H. तो कहता अगर डोपिंग हमने बिल्कुल उस तरह से करी है, ना स्ट्रक्चर चेंज किया, ना फिजिकल कंडीशन चेंज करी, सब कुछ वही है, तो कहता है दोनों केसेस में रेट ऑफ रिकम्बिनेशन और कांस्टेंट सेम होने चाहिए. क्या बोल रहा हूं, आर डैश, एक तो ये कांस्टेंट सेम होगा क्योंकि हमने स्ट्रक्चर में कोई बहुत लंबे छोटे चेंजेस नहीं करे, और उसी वजह से नो स्ट्रक्चरल चेंजेस. ये आपको बोर्ड में आने का कोई ऐसा चांस नहीं है, न्यूमेरिकल आने का चांस है. दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन, दोनों का प्रोडक्ट जो है. तो आई रिपीट है कि रेट ऑफ रिकम्बिनेशन शुड बी, जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ये हमने कर दिया, और
ये सारा कुछ इक्वेटिव कर दिया कि हमने कहना है फिजिकल सिचुएशन सेम है। अब एक्चुअल क्वेश्चन जो आपको आ सकता है एज इट इज, इसके बेसिस पे वो ध्यान सुनेंगे। N E and N H in N type semiconductors. ये मान लो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था और इसके अंदर एन आई इज इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है, और अगर मैंने एन टाइप बनाना है तो इसमें क्या डालूंगा मैं, डोनर्स एंड डी। डोनर डालते ही इसके अंदर एन ई और एन एच क्या होगी, चेंज, एंड डी इज द डोनर डेंसिटी। लेकिन थोड़ी देर पहले याद है आपको एन ई विल बी नियरली इक्वल टू एन डी, हमने कहां पे किया था जो डोनर वाला किया था। अब हमने कहना है फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, एन एच विल बी इक्वल टू एन ए स्क्वायर अपॉन एन ई। अब एन ई को हमने एन डी पुट कर देना, जोर से मुझे बोलने की जरूरत नहीं बिकॉज सिंपल बात है, अगर लॉ हमें मानते हुए याद हो गया तो मेनली ये क्वेश्चन आता है ई तो अंडरस्टूड होगा कि होल कितने रहेंगे उसके अंदर, मैं धीरे धीरे आप खुद गैस करो, स्लो करता हूं, पी टाइप में क्या होगा, एन एच इज नियरली इक्वल टू एन ए accepted density, and E is equal to Ni square upon NH, upon Na. तो इससे मेरा वन हमारा एक हिस्सा खत्म होता है, काफी सिलेबस कम हो गया होगा इसका, एक्सपेक्ट की कंपटीशन में भी वो कम ही होगा, वो देख लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएन जंक्शन, इसको आप लोग टुमारो मैं इस पे नया टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेश ब्रेन से करना जरूरी है वो। कल का टॉपिक कराने से पहले मैं आपको तैयारी करवा दूं उसकी एक बार, बस कल आपने टॉपिक शुरू करूंगा तो इस पे यस बोलना, सारा कुछ इसके अंदर है। एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो मॉडल था ना, एन टाइप में डोनर होते हैं,
सर वहां पर जो लास्ट स्टेप लिखा आपने एन ई इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए, वहां पर एन आई इज इक्वल टू एन ए है, हाँ भाई आपने एन एच को एन ए क्यों लिखा है? वो तो पी टाइप अभी करके थे ना बेटा, समझ पी पी टाइप में क्या बोला था मैंने अभी, उसका फास्ट हो गया सर। तो पी टाइप में व्हाट व्हाट वाज व्हाट हैपेंड, पी टाइप में जितने चैप्टर होते हैं ऑलमोस्ट उतने ही होल्स बनते हैं ना। ओके सर आएगा आपके पास अभी वो आज ही बना थे सर, पी टाइप में क्या थे कि यहाँ चैप्टर लेवल बने थे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये एक्सेप्टर लेवल है और एक्सेप्टर की डेंसिटी मान लो एन ए है, ऑलमोस्ट ये वाले यहां चले गए थे और यहां क्या बना गए थे होल्स, और यहाँ इलेक्ट्रॉन तो थोड़े बहुत बने थे, तो नंबर ऑफ होल्स जो बने हैं वो किसके बराबर है? ठीक है रुजो, यस सर। तो सिंपल सी बात, एंड टाइम में डोनर इलेक्ट्रॉन पता है, एंड टाइम में इलेक्ट्रॉन कितने डोनर के बराबर, पी टाइम में एक्सेप्टर कितने हैं होल्स के बराबर, तो दूसरी चीज बतानी होती है। अच्छा एंड टाइप सेमीकंडक्टर का मॉडल याद होगा आपको, दीज आर फिक्स्ड डोनर आयन राइट, और डोनर के बदले मैक्सिमम These are free electrons. और थोड़े बहुत हैं होल्स वहां पे राइट, और इसमें इलेक्ट्रॉन आर मच मच ग्रेटर देन होल्स एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर, ये मैं कल वर्ड यूज करूंगा ना तो मैं आज आपको रिवाइज करा दूंगा, मिलेगा कौन है इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर कौन है होल्स, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है पी टाइप एटलीस्ट आपको याद आ गया होगा। पी टाइप को मॉडल हमने कैसे देखना है, पी को हमने विजुलाइज करना है, एक्सेप्टर बैठे हैं जिन्होंने एक्सेप्टर में क्या ले लिया इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हैं, दीज आर फिक्स्ड इन सेंस वाइब्रेट कर रहे हैं लोकली लेकिन वैसे फिक्स्ड है, सिर्फ डोनर लिखा था मैंने ठीक है, फिक्स्ड एक्सेप्टर आयन और इनके बदले होल्स और बड़े ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन, लिखा मैंने हेडिंग लिखा ना पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर होल्स माइनॉरिटी कैरियर कौन है इलेक्ट्रॉन, और डाउट्स हैं और भी डाल दो, मैं देखूंगा कि अगर हो सका तो नॉर्मल सॉल्व होते हुए लगेगा मुझे कि नॉर्मल है वहां पे लिख दे दूंगा, वरना कल आते ही अगली क्लास शुरू होने से पहले आई विल टेक द डाउट्स। कल 8 बजे ले लो, कल स्कूल जाना है। अच्छा ठीक है, मैं 8 बजे चक्कर एक कल ट्रैवल करना, मैंने चक्कर मॉर्निंग लेनी है, स्कूल जाना मतलब फिजिकली। यस सर। खुल गया स्कूल? सर मेरा भी पेपर है कल। खुल गए? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, फिर अर्ली मॉर्निंग में लूंगा तो भी सूट नहीं करेगा, या फिर 3 बजे के बाद ले सकते हो?9 बजे घर से जाना होगा जल्दी ना, लेकिन ना चलो मैं मैनेज करता हूँ कुछ ना, क्योंकि आप तो रूटीन में लगा रहे हो तो उसके हिसाब से करूंगा मैं राइट। ओके सर, थैंक यू सर, राइट।